नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर में महात्मा गांधी जयंती मनाई गई। मंत्री प्रभु चौहान ने तुलजा भवानी के दर्शन किए। गांधी जयंती पर फर्जी गांधी की बात क्यों करूं, सीएम बोम्मई ने राहुल पर साधा निशाना। PFI प्रतिबंध ने कर्नाटका में अल्पसंख्यक वोटों को सुर्खियों में ला दिया है। राहुल गांधी बोले, गांधी जी की विरासत हथियाना आसान, उनके नक्शे कदम पर चलना कहीं अधिक कठिन है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में उतरा हूं, गांधी परिवार के समर्थन की बात गलत। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को मिली फिदायीन हमले की धमकी, लेटर के बाद आया फोन कॉल। देखते हैं समाचार विस्तार से, पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। गांधी जयंती महात्मा गांधी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए भारत में मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को घोषणा की कि उसने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें घोषित किया गया कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि वह एक अहिंसक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है और यह उपाधि उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए उनके अथक संघर्ष के लिए दी थी। आज बीदर जिले में भी महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। जिले भर के स्कूल, कॉलेजों, कार्यालयों, राजनीतिक कार्यालयों सहित अन्य स्थानों में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने 2 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र राज्य के तुलजापुर का दौरा किया और भवानी माता के दर्शन किए। शक्ति भवानी देवी के भक्त मंत्री हर साल नवरात्रि उत्सव के दौरान मां के दर्शन के लिए तुलजापुर जाते हैं। इस वर्ष भी उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के साथ देवी के दर्शन किए और विशेष पूजा आदि की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि देश के लोगों की सभी कठिनाइयों को दूर किया जाए और सभी एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करें। इस अवसर पर भाजपा तालुका अध्यक्ष रामशेट्टी पनाले, युवा नेता प्रतीक चौहान, अमित राठौर, सचिन राठौर, शेषर कोहली, सुरेश भोसले और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर शहर में रॉयल डांस क्रू भद्रापुरे प्रोडक्शंस द्वारा जिला कन्वेंशन हॉल में बीती रात दांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के युवा और युवतियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दांडिया खेला कार्यक्रम में बूढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली, DSP सतीश, KM माजिद बिलाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहकर कार्यक्रम का आनंद लिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए रविवार को कहा कि उन्हें गांधी जयंती के अवसर पर नकली गांधी के बारे में क्यों बात करनी चाहिए। राहुल गांधी के इस आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि सत्तारूढ़ भाजपा सबसे भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री ने कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी जमानत पर बाहर है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कर्नाटका कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष DK शिवकुमार जमानत पर हैं। कर्नाटका राज्य कांग्रेस पार्टी के लिए ATM था और अब नहीं। चुनाव वाले कर्नाटका में PFI पर प्रतिबंध के संभावित चुनावी प्रभाव ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है, क्योंकि इसकी सहयोगी राजनीतिक शाखा SDPI, जिसे अवैध नहीं किया गया है, अभी भी अल्पसंख्यक समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हुई है। केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उसके कई सहयोगियों पर उसकी कथित आतंकी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगाने के साथ कर्नाटका में इसके राजनीतिक निहितार्थ, जहां विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है, पर उत्सुकता से नजर रखी जानी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर रविवार को राष्ट्रपिता की हत्या का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि विचारधाराओं की लड़ाई जारी है, उन्होंने लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने कहा, जिस तरह गांधी जी ने ब्रिटिश राज से लड़ाई लड़ी थी, आज हम उसी विचारधारा के साथ लड़ाई शुरू कर रहे हैं जिसने गांधी की हत्या की थी। इस विचारधारा ने पिछले 8 वर्षों में असमानता, विभाजन और हमारी कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता को चोट पहुंचाया है। राहुल गांधी कर्नाटका के बदनवालू खादी ग्रामोद्योग केंद्र में अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, जहां महात्मा गांधी ने दौरा किया था। बीजापुर में आज गांधी जयंती के अवसर पर जिला पंचायत कार्यालय में
गांधी भवन का उद्घाटन विधायक बसवन गौड़ा पाटिल ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, जिला पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य उपस्थित रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कर्नाटका के 8 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी है, जिसमें बेंगलुरु में 5 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने एक बयान में कहा कि वृद्धि जो अस्थायी होगी, प्लेटफॉर्म पर वास्तविक यात्रियों की मुफ्त आवाजाही सुनिश्चित करने और चरम दशहरा सीजन और छुट्टियों के दौरान भीड़भाड़ को रोकने के लिए है। SWR ने कहा कि स्टेशन के SR बेंगलुरु, यशवंतपुर, बेंगलुरु छावनी, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, KR पुरम, SSS हुबली, मैसूर और बेलगावी शामिल हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर 9945283920, 8482127। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है, और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं, शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टेक्ट नंबर 9880004034। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहाँ घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियाँ, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, जहाँ पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BBB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें, 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध है। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें, 9448128148, 0848222710। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में 30 सितंबर को अपना नामांकन करने के बाद रविवार को इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि उन्हें गांधी परिवार का समर्थन हासिल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वे इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उतरे हैं, किसी के विरोध में नहीं। खड़गे ने बताया कि वह पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के कहने पर इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनावी रेस में खड़गे का मुकाबला शशि थरूर से है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी रेस में शामिल दोनों वरिष्ठ नेता दक्षिण भारत से आते हैं। एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। शिंदे को आत्मघाती विस्फोट में उड़ाने की साजिश रची जा रही है। इसकी सूचना खुफिया विभाग के सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगभग एक महीने पहले मुख्यमंत्री शिंदे को धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद अब धमकी देने वाले ने उन्हें एक अनजान फोन कॉल से धमकी दी है। इससे पहले शिंदे को माओवादियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक एकनाथ शिंदे को 3 बार जान से मारने की धमकी दी गई है। एक बार तब भी उन्हें मारने की साजिश रची गई थी जब वे आषाढ़ी एकादशी के वक्त पंढरपुर के दौरे पर थे। गढ़चिरौली का संरक्षण मंत्री होने की वजह से वे नक्सलियों के निशाने पर भी थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य की पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने को कहा है। सोने की तस्करी के मामले में वृद्धि के बाद चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग हाई अलर्ट पर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने शनिवार को चेन्नई एयरपोर्ट पर एक पार्ट टाइम वर्कर को 83.86 लाख मूल्य के 1.9 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया, जो शौचालय साफ करने का काम करता था। CISF ने पाया कि वह पोछे में छिपे सोने के 12 टुकड़ों और कुछ जूतों के तलवों के अंदर छिपे सोने को निकाल रहा था। कुछ दिन पहले चेन्नई एयर कस्टम ने 2 यात्रियों को 483 ग्राम सोना और 50 कार्टन सिगरेट के साथ गिरफ्तार किया था। ये लोग दुबई से आए थे और उन्हें पकड़ लिया गया। कस्टम अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ दिनों में तिरुची, कोयम्बटूर और मदुरई हवाई अड्डों पर भी सोने की बरामदगी हुई है और ज्यादातर सोना मध्य पूर्वी देशों में आया है। कांग्रेस के 3 प्रवक्ता दीपेंद्र हुड्डा, गौरव वल्लभ और सैयद नसीर हुसैन ने रविवार को पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए प्रचार करने के लिए इस्तीफा दे दिया।
इस कदम को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उनके वफादार विधायकों ने सीएलपी का बहिष्कार किया था, जहां खड़गे उस समय पर्यवेक्षक थे। गहलोत ने बाद में सोनिया गांधी से माफी मांगी और चुनाव से बाहर हो गए। शनिवार को राज्यसभा में विपक्ष नेता के पद से इस्तीफा देने वाले खड़गे ने मीडिया से कहा, मैं आज से अपना अभियान शुरू करूंगा और मैं एक जाति विशेष होने के कारण नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि मुझे पार्टी में 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए मैं इस चुनाव में खड़ा हूं। गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल होने के बीजेपी के आरोप पर उन्होंने कहा, मेरे पास राजनीति में 50 साल का अनुभव है और यूपीए के 10 साल के शासन में गांधी परिवार ने देश के लिए बहुत योगदान दिया है। इस दौरान मैंने कोई पद नहीं लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को औपचारिक रूप से रूसी संघ में शामिल करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों के विलय की घोषणा के लिए मॉस्को के भव्य सेंट जॉर्ज हॉल में क्रेमलिन द्वारा आयोजित समारोह में पुतिन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों को रूस में शामिल करना लाखों लोगों की पसंद है, जिनका रूसी संघ के साथ साझा इतिहास रहा है। दोनेत्सक, लुहांस, खेरसोन और जैपोरिजियो को रूस में शामिल करने की घोषणा की गई है। पुतिन ने कहा, हम कीव के सत्ताधारियों से शत्रुता को तुरंत समाप्त करने, उस युद्ध को समाप्त करने का आह्वान करते हैं जिसे उन्होंने 2014 में वापस शुरू किया था। हम उनसे बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील करते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मणिरत्नम ने रचा इतिहास, मोटी कमाई करके बनी नंबर 1। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड T20। गुवाहाटी में सीरीज कब्जाने उतरेगी भारत, वापसी कर सकती है साउथ अफ्रीका। अंत में समाचार बाजार के। ग्रामीण बैंकों को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होने का मौका मिलेगा, सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में महात्मा गांधी जयंती मनाई गई, मंत्री प्रभु चौहान ने तुलजा भवानी के दर्शन किए। गांधी जयंती पर फर्जी गांधी की बात क्यों करूं, सीएम बोम्मई ने राहुल पर साधा निशाना। PFI प्रतिबंध ने कर्नाटका में अल्पसंख्यक वोटों को सुर्खियों में ला दिया है। राहुल गांधी बोले, गांधी जी की विरासत हथियाना आसान, उनके नक्शे कदम पर चलना कहीं अधिक कठिन है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में उतरा हूं, गांधी परिवार के समर्थन की बात गलत। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को मिली फिदायीन हमले की धमकी, लेटर के बाद आया फोन कॉल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।